हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस जो है आज सुबह का जो है छठ का खत्म हुआ है और दीपक भाई ये चंदन जो है जा रहा है, चंदन तो दरभंगा में रह जाएगा। चंदन बाबू, दीपक भाई जी तैयार हो गए गाइस, सब लोग छोड़ने जा रहे हैं। बाय बाय। चंदन कुमार, आई केशव बाबू और आयुष और मैं, एक्चुअली मैं इसमें जाने वाला उधर चंदन ही है, बाकी हम लोग सब छोड़ने वाले हैं। जलवा है इनका गाइस। आयुष, हाँ। हम लोग चल रहे हैं तो फिर रात में जो प्रोग्राम होगा तो वो प्रोग्राम कौन देखेगा बताओ? हम लोग बाबू। इंग्लिश को अच्छा, आयुष तुम बताओ, इंग्लिश को इंग्लिश में बोल के बताओ। इंग्लिश ना तू बताओ तो चंदन। इंग्लिश, इंग्लिश। बिल्ली को इंग्लिश में क्या कैसे बोलते हैं? कैट बोलते हैं, कैट। तंती फूल तै देवे तनी, तंती फूल तै देवे। अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे और अपने गाड़ी का टंकी फुल हो रहा है। दरभंगा क्यों जा रहे हैं? इधर आओ गाइस, को बताओ दरभंगा हम लोग क्यों जा रहे हैं? छोड़ने किनको? किनको? चंदन चाचू और दीपक भाजी और चंदन जा रहा है ना गाइस। चंदन तो दरभंगा में रह जाएगा और दीपक भाजी जा रहे हैं वहाँ एयरपोर्ट पे, उनका सब फ्लैट है 11 बजे, और 11 बजे फ्लैट पकड़ के चले जाएंगे कलकत्ता, और फिर कलकत्ता से फ्लैट है उनका चेन्नई जाएंगे, तो उनको जो फ्लैट पकड़वाने के लिए जा रहे हैं। अभी कितना बज गया है? 9:30 हो गया है, डेढ़ घंटा, आधा घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे दरभंगा। अपना टंकी फुल हो गया गाइस, देख रहे हैं कितना का हुआ अमाउंट, हुआ 2502 रुपया। गाड़ी पास हो रहा है गाइस, मालगाड़ी पास हो रहा है ना गाइस, बस पहुंचने वाले हैं, पहुंच जाएंगे 10 मिनट गाइस। जो है हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं, सब गाइस को बाय करते हैं गाइस, सब चेकिंग हो रहा है और यहां से अंदर चले जाएंगे, और फिर यही जो है ना एयरपोर्ट के जो है अंदर प्रांगण है, हम लोग को जाने नहीं दिया जाएगा यहाँ से अंदर विदाउट टिकट। चले गए भाजी, जो है भाजी चले गए और अभी चेकिंग हो गया है, अंदर जाएंगे अपना फ्लैट पकड़ के चले जाएंगे दरभंगा में। अपना ज़मीन का प्लॉट भी है, होगा तो उस प्लॉट को भी जो है ना चलते हैं देखते हैं। तो गाइस जो है हम लोग आए हैं अपने ज़मीन के जो है प्लॉट के लोकेशन पे आए हैं। आयुष कुमार, कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है, मस्त से जो है ना। एक्चुअली मैं दीपक भाई चले गए हैं और आए हैं दिखाते आपको हम हमारा जमीन का प्लॉट, अपना खेत जमीन का प्लॉट दिखाते हैं गाइस। एक जमीन के प्लॉट पे आ गए हैं। एक्चुअली में ये हमारे दीदी का है, आरती दीदी का ये वाला है, ये जो इस तरफ दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, इस बीच में जो है ना प्लॉट, ये वाला प्लॉट है अपना आरती दीदी का, केशव लाला का। देख लिया अपना, ये नहीं देखा हुआ था गाइस। अभी इसमें थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, धीरे धीरे इधर डेवलप हो जाएगा। उधर आपका दरभंगा का शहर दिख रहा है, इधर भी डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। अब आपको ले चलते हैं हम अपने वाले प्लॉट पे। ये आरती दीदी वाला प्लॉट था केशव लाला का। अपने जमीन के प्लॉट पे आ गए हैं, आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मैं इधर से हम लोग दूसरे रास्ते से, रॉन्ग रास्ते से आ गए, इधर नहर बीच में आ गया है और उस तरफ दिखाते हैं। अभी तो ये खेत का एरिया है, ये जो अभी धान इसमें कटा है ना, ये वाला आगे तक वहाँ तक जो जाता है ना, ये ट्रायंगल शेप का है गाइस, इस तरह से ऐसे करके ये वहाँ तक ये वाला है अपना, बस ये नहर है। और ये नहर भाजी कहाँ से कहाँ तक जाता है? आगे आगे एक नदी है गाइस, वहाँ नदी तक मिलता है,
गंडक नदी, गंडक नदी में ये नहर मिलता है। और अभी तो एक पूरा केचुल से भरा हुआ है गाइस। अपना गाड़ी यहाँ लगा के हम लोग गए थे और यही रास्ता जो पीछे जा रहा है ना, अपने प्लॉट पे जा रहा है, और ये रास्ता जो है इधर जाता है वापस दरभंगा शहर के लिए। ये लेडिया सराय स्टेशन है और ये देख रहे हैं आप मालगाड़ी लगा हुआ है, और इधर से जो है ना, इधर देखिए रोड जा रहा है, इस तरफ स्टेशन है। मस्त से हम लोग स्टेशन के साथ साथ जा रहे हैं, अपने दूसरे वाला प्लॉट जो है वो जमीन पे जा रहे हैं, कबीलपुर में है लेडिया सराय स्टेशन जो अभी दिखाया ना, बस वही उसके पास में ही है, दूसरे वाले प्लॉट पे जा रहे हैं, वो भी आपको हम दिखा देंगे। ये जो ये घेरा हुआ है ना ऐसे करके, ये वाला जो प्लॉट दिख रहा है, ये वाला, ये अपना वाला प्लॉट है घेरा हुआ। और इधर पीछे में जो ये जो है ना, ये खाली जगह, ये बनेगा रास्ता, इसका सड़क बनेगा। और इस तरफ उधर लेडिया सराय स्टेशन है, देख रहे हैं। लोग का पकड़ तो कौन और चल रहा है, केशव कुमार, आयुष कुमार, चारा, चंदन कुमार जो है ना दरभंगा आया है, अपना सामान रख दे और वापस फिर गांव चले, और फिर कल जो आएंगे, कल या परसों भाई जी साहब, तो उसके साथ जो है वापस फिर आएंगे। पटना कल परसों को ना, कल ही ना, कल। तो अब चलते हैं यहाँ, पहले प्यास लगा है आयुष का भी, तो जानवी कुमारी के पास चलते हैं, थोड़ा पानी पियेंगे मस्त से, और फिर जो है चला जाएगा अपना गांव। सर बाबू, चंदन चला गया। हाँ। तो गाइस जो है चंदन को छोड़ दिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं गांव। आयुष बाबू कैसा फील हो रहा है? फीलिंग हो रहा है। कैसा बाबू का मुँह लटक गया है, क्योंकि वो बोल रहा था चंदन को वापस जाने के लिए, कौन अभी आया था, अभी बोला था सामान रख दीजिए लेकिन कौन चलिए सब वापस, और फिर कल आ जाइएगा। उसको वो रह गया, यही चला गया, और मतलब चंदन कैसे बाबू का इच्छा था ना चंदन भी चले वापस। आयुष बाबू को भूख लगा है, कुछ रास्ते वास्ते में कुछ खिलाते हैं फिर चलते हैं। आयुष को भूख लग गया तो अभी धरोड़ा है, धरोड़ा में गाड़ी को रोके हैं और उसके लिए समोसा ले लेते हैं, चार को समोसा ले लेते हैं, समोसा ले लेते हैं, दो आयुष खा लेगा, दो केशव खा लेगा। आयुष कैसा समोसा? अच्छा। अच्छा टेस्ट अच्छा है केशव? हम बात नहीं करते आपसे, जाइए। अरे तो हम चंदन को थोड़े ना भेजे, आप ही रोके हैं सब। हम से नाराज हो गया, उसको लग रहा है कि चंदन को हम ही जो है ना जबरदस्ती चंदन को भेज दिए। आशापुर पहुँचे हैं, यहाँ बकरे का जो है ना मीट मिल रहा है, ले लिए गाइस 2 किलो। हम चलते हैं घर पे, चलते हैं गाइस घर पे। अब घर पहुँच गए हैं, आंगन आ गए हैं। कृष्णा श्रेया क्या कर रही हो? टीवी देख रही हो। तो गाइस जो है मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, जय हिंद, जय हिंद।